सीरियल 51 में लीला दादी एक के बाद एक नए नए गेम प्लान्स करती जा रही हैं। अब ये तो आपको ह्यूमियो टीवी बता ही चुका है कि लीला दादी सत्या की करवाना चाहती हैं दूसरी शादी, जिसकी वजह से वो सत्या की फोटोज क्लिक करती हैं। और आज ये देखिए, सत्या की दूसरी वाइफ का सिलेक्शन भी वो सुशील से करवा रही है। दादी जी, शिवम भाई तो बिल्कुल भी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं। अरे दिख रही है, देख, आजकल के लड़कियों को लड़के वही पसंद आते हैं जो स्पोर्ट्स गेम्स सब खेलते हैं बाहर जाके, और ये पसंद करते हैं। वो तू हॉबीज स्पोर्ट्स हॉबीज गेम्स बास्केटबॉल फुटबॉल सब करते हैं। और वैसे भी कौन सी कोई लड़की आने वाली है और शिवम से पूछेगी, हाँ जी ये वाला फुटबॉल खेल के दिखा है ना, कौन सी ऐसी कोई लड़की आने वाली है जो बोलेगी हाँ जी शिवम कसरत करके दिखा हमारे सत्या जैसे, ये वाला बेट उठा के दिखा। अगर बाय चांस बोल भी दिया तो इसी बहाने शिवम भाई कम से कम जिम तो ज्वाइन कर लेंगे, दोनों मिलके करेंगे। लेकिन सुशील इस बात से है अनजान, उसे ये नहीं पता है कि अभी वो जिस लड़की को ढूंढने में लीला दादी का साथ दे रही है वो असल में उसके भाई शिवम के लिए नहीं बल्कि उसके ही पति के लिए ढूंढी जा रही है। अच्छा दादी जी, मैं आपको शिवम भाई की कच्ची सी फोटो दिखाती हूँ, वो अपलोड कर देते हैं। ये वाली ज्यादा अच्छी है ना? हाँ ये वाली ज्यादा अच्छी है, दीजिए मैं इसमें ट्रांसफर करती हूँ। दरअसल लीला दादी ने सुशील को ये विश्वास दिलाया है कि उसके भाई के लिए लड़की वो ही ढूंढेंगी, इसीलिए लीला दादी झूठ बोलकर सुशील से सत्या के लिए लड़की ढूंढवा रही है। अरे रुक रुक, ये देख, ये बहन है, इधर कॉलम पर कॉलम, फैमिली बिजनेस पर पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, कुछ उसी का तो है सब कुछ, कोई तो संभालेगा। लो अभी तो वही सब संभालेगा ना, रहने दे ये सब चोर, अरे अरे अरे। ये देखिए, सुशील भी अनजाने में अपने ही पति के लिए कितनी खुशी से ढूंढ रही है दूसरी बीवी। दादी जी हाँ, वैसे किस टाइप की लड़की ढूंढ रहे हो? अब ये तो सारे कोई बनना पड़ेगा, पर मैं तो बोल के आ गई, सुशील जैसी लड़की चुनूंगी, अब कोई पसंद कर ले, सारी पसंद देखूंगी पर अपनी पसंद की लड़की। आइए सुशील से ही जानते हैं कि ये सारा माजरा क्या है। सुशील को तो अभी तक इस बारे में कुछ खबर नहीं है, बट जहाँ डेली सोप की बात आती है वहाँ पे ड्रामा सस्पेंस ना हो, सास और बहू की नोकझोंक ना हो, साजिशें ना हो, तो फिर मज़ा कहाँ आता है ऑडियंस को। तो अभी लीला की एक चाल है जिसमें वो सत्या के लिए एक नई लड़की ढूंढना चाह रही हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सुशील उनको हेल्प करने पहुंच जाती है, सुशील को लीला दादी बताती है कि वो उसकी भाई के लिए लड़की ढूंढ रही है। वैसे क्या लगता है सुशील, सत्या को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो दूसरी शादी कर लेंगे क्या? सुशील का तो मानना ये है कि सत्या रियली लव्स सुशील, और हालांकि उसने अभी तक जताए नहीं है, पर कुछ कुछ कभी कभी कुछ ऐसे जेस्चर्स हो जाते हैं जहाँ पे सुशील रियलाइजेस कि हाँ वो उसका ध्यान रखता है, उसकी केयर करता है, पर अभी तक अपफ्रंट होकर उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है सुशील के सामने, हालांकि किसी के भी सामने नहीं किया है। तो सुशील जानती है कि सत्या उसको कितना प्यार करता है, और जो जितना भी टाइम उन्होंने कॉलेज डेज में या शादी से पहले स्पेंड किया था वो सब सच था, जो उसको देखकर स्माइल करता था वो झूठी नहीं, वो सच्ची थी। तो लेट्स सी अब आगे जो लड़की आएगी या आने वाली है या आ पाएगी भी या नहीं आ पाएगी, तो उसके अराउंड क्या ड्रामा चलेगा वो तो टाइम ही बताएगा। ओह, तो सुशील को तो अपने पति सत्या पर पूरा विश्वास है। अब ये भी बता दीजिए सुशील कि जब आपको इस हकीकत के बारे में पता चलेगा तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? इज गोना बी शॉक्ड, एंड जैसी सुशील है वो लाइटली तो नहीं लेगी, वो चैलेंज की तरह लेगी, एंड क्या करेगी जब उसके साथ इतनी बड़ी चीज हो जाएगी, नोइंग द फैक्ट दैट यू नो सत्या प्यार करता है, वो सत्या को कितना प्यार करती है, तो अभी राइटर को ही पता है हाउ सुशील इज गोना रिएक्ट। तो सुना आपने कि लीला दादी कुछ भी कर ले, लेकिन सुशील भी हार मानने वालों में से नहीं है। सुशील हर मुसीबत में करेंगी लीला दादी का डटकर सामना। मुंबई से ज़ारा खान, E24।